ये मुतरमा ने आम पकड़ लिया, अब कुछ नहीं बचेगा, आपको ऐसी छिलड़े मिलेंगी बस। ये सारा मैंने मेरा नहीं है, ठीक है? और मैंने ओए ये एक, अरे ये सिर्फ मेरे लिए छोड़ा है, तो एक दो और ये गुटली भी तेरी, तीन। गुड। हेलो जी, क्या हाल है? मेरा नाम है सिमरन और ये है हमारी मुतरमा सुगंधा। और हाल फिलहाल प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि आज है मंडे, वर्किंग डे, 17/5/2021। टाइम हो रहा है कुछ 11:15 के करीब, सुबह से हम लगे हैं काम पे। और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़े से काम में, ठीक है, लेके अपनी स्कूटी पेप, और इसके बाद हमने बनाना है अपना ब्रेकफास्ट। तो फिर देखते हैं कैसे ये दिन अनफोल्ड होता है। कामों में ही होगा। तो ये हमारी स्कूटी पेप वेटिंग फॉर अस, कि कब आएगा सिमरन, कब चाबी लगाएगा और कब मुझे थोड़ी सी चलाएगा। तो जी, आज के लिए ब्रेकफास्ट में है हमारे पास 4 टोस्ट, 2 कप चाय और बॉर्नविटा और रस। मैं थोड़ा सा पहले ही खा चुका था, बट यार ये मेरे को ना चीज़, मतलब छोटे होते हम खाते थे, बड़ी अच्छी लगती है यार अभी भी। हल्की सी रोस्ट हो, आ लाली बनो, और ये हल्का सा नमक ऊपर डाला हो, मज़ा ही आ जाता है खा के। सैंडविच खाने का प्रोग्राम चल रहा था, और अभी आप देखिए ये मुतरमा ने आम पकड़ लिया, अब कुछ नहीं बचेगा, आपको ऐसी छिलड़े मिलेंगी बस। ये सारा मैंने मेरा नहीं है, ठीक है? और मैंने ओए ये एक, अरे ये सिर्फ मेरे लिए छोड़ा है, तो एक दो और ये गुटली भी तेरी, तीन। गुटली मेरी होती है मतलब, नहीं ये क्या मतलब हुआ, इसकी आधी देना, आधी गुटली मेरी आधी गुटली ना तेरी। तो मेरे सामने मैंगो ना हो, हाँ, और अगर हो तो फिर मैं छोड़ूंगी नहीं, फिर आई कांट डू इट। फिर ये किसी का हक नहीं छोड़ती, अभी लगी हाँ हुई है। आ रही तो देखना यार, देख दो बंदे हैं, आधा आधा बटना चाहिए, तो एक दो हेलो तीन। हेलो, आधा अरे नहीं, आधे मैंने से कहा ज्यादा है ये, फर्स्ट। पौना दे दे। अभी ये मेरा हो गया, अभी मैं आपको अपडेट भी करूंगा, ये फिर मांग लेगी मेरे से जब वीडियो में एंड करूंगा। ये देखो इसने फिर वापस ले लिया आम मेरे से। मैंने इसीलिए बोला था मैंगो की शकीन, फिर इसने बोलना है सिमरन मेरे ना पिंपल हो गए हैं, मेरे देखो कितने पिंपल निकल रहे हैं, मैंगो छोड़ना नहीं। हमने बचपन में रियल मतलब पेड़ से तोड़ तोड़ के खाया, हम कैंटेरियाज में रहते थे, इतने अच्छे अच्छे अलाहाबाद में, आज थोड़ा सा टाइम है तो फिर नर्सरी से एक मैंगो ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक मैंगोस खाए हमने। मैंगो का वो ही ले ले प्लांट, वो बड़ा हो जाएगा। नहीं 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 मुझे नहीं ये मैंगो लेने, वो उम्र गई है भाजी। तुम बचपन तक कुछ तेरे भी उधर तो होता, होंगे ना बाल्टी प्लांट। बाल्टी खा जाते थे हम, कुछ भी हाँ तो होता पहाड़ जहाँ तेरा वो है, जहाँ पूजी जाते हैं, वहां तो होंगे ना है, मैंगो। पर वो मैंगो नहीं है जो इलाहाबाद में हमारे यहाँ लगे था। चलो जी, अभी हम बहुत मैंगो अच्छा। एंजॉय करेंगे अपना अपना। हेलो जी, मेरा नाम है सुगंधा और ये है सिमरन बिंद्रा। आई नो आई नो कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया हुआ है, बट मैंने तो नहीं की थी ना हेलो, इसलिए हेलो फ्रॉम माय साइड। सो अभी जी नियर अबाउट 4:05 हो रहे हैं, और हम निकल रहे हैं एक साइट विजिट पे, और होपफुली शायद एक और भी हो जाए कि नहीं। हाँ, अगर टाइम लगा अगर तो टाइम 6 बजे लगा की तो, वही क्योंकि लॉकडाउन उस लगेगा। एरिया में जा रहे हैं, उस एरिया में 2 साइट्स हैं, वैसे तो मेन प्रायोरिटी पे तो एक ही है, बट अगर टाइम लगा तो दूसरी भी कर लेंगे। अरे ये देख कार देख जी, सावी सावी सही है। तुमने भी तो थार ही लेनी थी। कैंसिल हो गया प्लान, मेरे साथ में जो बैठी है औरत उसने लेनी नहीं थी। क्या बोला क्या बोला, इस औरत ने नहीं लेने दी? हाँ इस औरत जो साइड वाली नहीं, सीट नहीं पे मेरे बैठी मेरी है। तरफ देख के बोलो जरा कि तुमने अरे मेरी तेरी वजह तरफ से देख के नहीं ली। बोलूंगा तो जो ली है वो भी कहीं घुसा दूंगा। ये दिस मैन इज अ लायर। थार चलो वैसे भी हमने नहीं अरे लेनी थी, एक मिनट, हमने नहीं वैसे लेनी थी, भी नहीं लेनी थी, मन था, वैसे भी नहीं लेनी थी, लेकिन मेरा मन था, मन था। वो कब, जब सोनेट बुक कर दी, मोना थार ले लेते, मोना कैंसिल करा देते, मोना थार। अरे When you have already decided to go for Sonnet, Sonnet की then 4 महीने की वेटिंग और थार की 9 महीने की वेटिंग। He was like कि कोई नहीं, 9 महीने वेट कर रहे थे, मैं क्या बात। और जब Sonnet ली है, सिमरन ने मुझे क्या बोला है, बहुत अच्छा हुआ यार थार नहीं ली, एकदम बकवास गाड़ी है थार। अरे बकवास नहीं है मोना, he ऐसा manipulates नहीं। me. No, it he is, manipulates no, me. Yeah. Thar is not, it is not बकवास, it is a properly equipped 4x4. तुम सोनेट को तुम इतनी हिली टेरेन में तुमने ले लद्दाख करना है ले जाओ, बट
मजा 4x4 में ही आता है. तुमने स्पिति करना है, तुम इसे विंटर में लेके नहीं जा सकते स्नो में. बट द रियलिटी इज ना हम स्पिति कर रहे ना हम ले लद्दाख कर रहे. मेरा मन है. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अम्बरसर, वी आर ऑन रोड्स ऑफ अमृतसर. ठीक है, हम लोग साइटें विजिट कर रहे हैं. हमें चाहिए भाई एवरेज, और वी आर हैप्पी कि हमें एवरेज मिल रही है अपनी गाड़ी की. ठीक है जी. सो ऑल इन ऑल सॉनेट इज द बेस्ट. बट वो करेंगे समर्स में, करेंगे जब स्नो इतनी ना हो. ताकि बहुत कुछ करना था बट ये कोरोना ने तो क्या करे, मतलब कोरोना कोरोना यही है रोना. ओहो व्हाट अ राइम. सीरियसली इतने सारे प्लान्स होते हैं कि इंसान के. वी हैड अ प्लान. तुम ये लगा लो कि जो लोग पिछले साल नहीं कर पाए थे लॉकडाउन की वजह से, उन्होंने सोचा यार इस साल तो पक्का. अब इस साल वही सीजन चल रहा है, फिर से वही लॉकडाउन की टेंशन. वी आल्सो हैड अ प्लान टू गो टू लेह लद्दाख लास्ट ईयर. Didn't happen. This year, not gonna happen. And क्या कर सकते हैं अब. लाइफ इज सो बोरिंग, सो बोरिंग. इट्स जस्ट, चलो शुक्र ये है कि वो कम्प्लीट लॉकडाउन नहीं है जो लास्ट ईयर था. आई एम सो हैप्पी एंड आई ऑलवेज प्रे वो कम्प्लीट लॉकडाउन वाली सिचुएशन ना आए. कोरोना जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, मतलब खत्म हो जाए. और उसके लिए तुम्हें वैक्सीन लेनी पड़ेगी. अच्छा, यू नो व्हाट, एक चीज तूने, तुझे पता लगी, मैं वैसे ही फेसबुक वगैरह देख रहा था तो वहाँ पे ना यूएस में, यूएस का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जिन्होंने दो वैक्सीन ले ली है ना, दे कैन लाइक ट्रैवल मास्क फ्री. वो मास्क फ्री हो गए हैं. ओह प्लीज. हाँ, यू कैन चेक इट आउट ऑन व्हाटएवर न्यूज चैनल यू वांट. दे क्लेम दिस ऑन व्हाट बेसिस. हाँ, दे क्लेम दिस ऑन व्हाट बेसिस. नहीं, जो डबल डोज है यार. अच्छा, उधर इन अमेरिका, इन यूएस, ओनली इन यूएस. ओके, इधर नहीं. इधर तो फिर भी व्हाई आर वी हैप्पी, इट्स ओनली यूएस. कनाडा इनमें तो वैसे ही सब कुछ चलता है. अरे यार, इतना सिंपल है. जैसे तू कह रही है कि कोरोना गो, तो कोरोना गो करने के लिए तुम्हें वैक्सीन लगानी पड़ेगी, टीकाकरण करना पड़ेगा. बट पीपल इन इंडिया even after second dose they are dying. अरे, it is not like this, it is just, it will reduce the चलो probability. यार, we will not talk about vaccination because it will only reduce the probability of you getting corona. हाँ, और कुछ नहीं, तुम्हें तब भी corona हो सकता है. हाँ, because हम सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं. हमें नहीं पता है how the vaccine has been made, जो जिन्होंने बनाई है इतनी research करके. कुछ उन्होंने अच्छा ही किया होगा. हमें क्या पता क्या होता है वैक्सीन क्या नहीं. हम बस वही है जो सुन लिया वहां से डर जाते हैं. कोई बोलता है सेकंड डोज के बाद डेथ हो गई, डर लग जाता है. और कोई बात नहीं. अरे, ये लॉकडाउन में मैंने कितने दिनों बाद पटरी देखी. लॉकडाउन तो तू ऐसे कह रही है जैसे 4-5 महीने का लॉकडाउन हो गया हो. 4-5 महीने, 13-14 दिन का लॉकडाउन और आज खुल चुका है. सिमरन बिंद्रा, मुझे रेलवे ट्रैक देखे हुए 1.5 साल हो गया है. जाना कहाँ से है तुम ये बताओ. हम आए थे अपनी दूसरी साइट पे, अभी यहाँ पे साइट का काम देखेंगे और फिर निकलेंगे घर की तरफ. टाइम हो रहा है लगभग 5:20, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है क्योंकि आधा घंटा हमें घर जाने में लग जाएगा. सर जी, टाइम हो रहा है 6:35. मैंने इसको बोला था कि भाई जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं. अब पुलिस वालों का कुछ पता नहीं कि रस्ते में मिलेंगे तो क्या बोलेंगे. सो आज हम फिर से नहीं, हम रोज अपना टारगेट अचीव करते हैं. वी आर होम बाय 6 समवे और दी अदर, बट आज हम हो गए हैं लेट. अभी देखो क्या होता है, अभी देखते हैं यार क्या है चक्कर. अगर पुलिस ने पकड़ा तो फिर आई विल डेफिनेटली व्हाट, डेफिनेटली व्हाट, रिकॉर्ड द वीडियो और क्या. ये हमारा चालान कर रहे हैं. हाँ, चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. जी, मोना गई है, अभी जाके उनको बोलेगी, देखो अलाउ करते हैं कि नहीं जाने के लिए. हमने वैसे ना टाइम पे निकलना चाहिए था. मैंने बोला था इसे बट नहीं, हमने तो नहीं सुनना. तो अभी उन्होंने खुद ही बोल दिया कि भाई बार बार से जाओ, इधर तो भाई जाने नहीं देंगे आपको. बट तेरे को बोलना चाहिए था ना, तू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज साइट से आ रही है. आई डिडंट वांट टू एंगेज इनटू एनी काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स. तो मैंने, दैट इज आल्सो गुड. या, अब यहां से कहां से जाओ. आप शांति से दूसरा रास्ता ढूंढे. भाई, तुम बायपास से भी जाओगे ना, बायपास से भी तो रतन सिंह चौक आएगा. बायपास से कैसे जाएंगे बता. अरे, बचते बचाते लॉन्ग रूट लेके किसी तरह हम घर पहुंचे. तो अभी लगभग हो चुके हैं 8:30 और आज की वीडियो में यही पे समाप्त करते हैं क्योंकि हमारी जो मतरमा है वो थोड़ी सी ढीली हो गई है, मतलब थक गई है.
और आज हमारी जो सैर थी वो भी थोड़ी सी स्किप हो गई है क्योंकि हमारी ऑलरेडी साइटों पर बहुत सैर हो गई है। आज का जो ब्लॉग है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए हंसते रहें और खुश रहें।